संजय जायसवाल की रिपोर्ट। महेश्वर तहसील के करही क्षेत्र व उसके आसपास के ग्रामों में आए आंधी तूफान से संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की पीथमपुर जाने वाले पावर प्रोजेक्ट 440 केवी बिजली लाइन के 18 टावर खेतों में धराशाही होने से पिछले 4 दिनों से विद्युत सप्लाई बंद है। साथ ही कवड़िया से मंडोरी व कवड़िया से गुलवाड़ मार्ग भी बंद है। सैकड़ों एकड़ में बोई गई फसलें नष्ट हो गई। इसी को लेकर महेश्वर तहसीलदार देवदत्त शर्मा ने करही इलाके में 2 दिन पूर्व आई बारिश व आंधी तूफान से हुए नुकसान का निरीक्षण किया, जिसमें कवड़िया के किसानों व आसपास के कई गांवों की जमीनें प्रभावित हुई है, जिसमें संत सिंगाजी ट्रांसफर बिजली टावर जो पीतमपुर जा रही है उस बिजली के टावर लाइन के गिरने से हुए भारी संख्या में किसानों की फसलें प्रभावित हुई है। इसका निरीक्षण कर तहसीलदार ने जल्द से जल्द किसानों के खेतों पर से गिरे हुए बिजली के टावर व उनके तारों को हटाया जाएगा व कंपनी द्वारा हुए घटिया निर्माण की बात भी तहसीलदार ने कही। और तहसीलदार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात भी की। गांव में बिजली भी 3 दिन से बंद है, उसको भी चालू करवाने की बात कही है। लाइन फिल्ट्रेशन के बारे में जो चर्चा बताई है अभी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फीडर सेपरेट जो हुआ था अपना 11 केवी का फीडर सेपरेट हुआ है, या केबलाइजेशन का वर्क नहीं हुआ है, वो आने वाले टाइम में किया जाएगा। नहीं तो ये लगभग कितने दिन से हो चुका है? लगभग 4 साल हो गया है, फीडर सेपरेट हो गया 11 केवी। अगर ये जैसे तार टूटते हैं, कोई ग्रामीण अगर क्षति होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका समय समय पर मेंटेनेंस करते रहते हैं, जहाँ ऐसी संभावनाएं होती है वहाँ हम लोग चिपलियाँ बनवा देते हैं। नहीं, इसका अगर होता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? विभाग ही रहेगा इसका जिम्मेदार। हाँ, मैं यही कहना चाहता था, तो ये काम जल्दी से करवा लीजिए। तो इसमें कितने टावर प्रभावित हुए हैं? इसमें जो MPB ट्रांसमिशन के टावर हैं वो लगभग 18 टावर प्रभावित हुए हैं, और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो इनके डिजाइन स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ है और या घटिया निर्माण। अच्छा सर, ये किसानों को इतना भारी नुकसान हुआ है तो इसमें आप इनकी क्या मदद करेंगे? इसमें हमारी ट्रांसमिशन के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, और उनके द्वारा जो वास्तविक क्षति हुई है उसके आधार पर मुआवजा दिए जाने का प्रोविज़न है एक्ट में, उसके हिसाब से वो 1-2 दिन में अपना दल भेजेंगे और हमारा जो राजस्व की टीम है वो साथ में रहेगी। और मेरा ये उसमें सम्मिशन था कि फसल क्षति के साथ साथ कृषि यंत्र जो खेतों में पड़े हुए हैं उनका जो नुकसान हुआ है वो भी इसमें क्षति में हम शामिल। संबंधित जो समस्या आई है, सीधा सीधा मैं किसान प्रतिनिधि होने के नाते मेरे क्षेत्र के किसानों के साथ जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राकृतिक आपदा होने के साथ साथ प्रशासन भी इतना कमजोर है, जिस काम को 10 घंटे के अंदर होना था उस काम को ये 10 दिन लगा देंगे। इस क्षेत्र के किसानों की कपास की जो गर्मी की फसल लगाई जाती है अप्रैल माह में, इतनी 48 डिग्री के टेम्परेचर में किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल तैयार की, उस फसल को बिजली के कारण, बिजली का जो सप्लाई अवरुद्ध हुआ है, आज 3 दिन हो चुके हैं और 2 दिन तक अभी साहब बता रहे हैं कि 2 दिन तक वो सप्लाई नहीं आएगी, 5 दिन में वो सारी फसल जलकर नष्ट हो जाएगी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? MPB इसके लिए जिम्मेदारी ले। आपकी लापरवाही के कारण इतना काम हुआ है। आप 3 पोल लगाने के लिए आपको 3 दिन का समय लगा है। आप ये बिजली के पोल अगर 2 11 केवी के पोल खड़े कर देते तो 2 दिन में आपका कितना सप्लाई, कितने लोगों की फसल बच सकती थी, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी से काम करते नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि लगभग कितने किसानों को कितना नुकसान है? 200 किसानों का इस गांव के अंदर और आसपास के गांवों को मिला के 1000 किसानों की फसल जलकर राख हो जाएगी बिजली के कारण। मतलब लाखों करोड़ों का, लाखों रुपए का नुकसान है। दूसरा, ये जो ट्रांसमिशन की जो लाइन गिरी है इसमें जो किसानों का नुकसान हुआ है वो इतना नुकसान हुआ है कि किसान अपनी न तो वहाँ फसल बो पाएगा, जाने के रास्ते बंद हो गए खेत तक, अपने कृषि उपकरण न तो लेते वहाँ जा सकता है, साथ ही ड्रिप इरीगेशन अन्य कृषि यंत्रों का भी नुकसान हुआ है। इसके लिए तहसीलदार महोदय अभी आए थे, उन्होंने सर्वे किया है, आश्वासन दिया है कि उस विषय में कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने से काम होगा नहीं साहब। सीधी सी बात है, किसान आज जहर खाने के लिए मजबूर हो गया है। आज इस स्थिति में अगर किसान फसल चौपट हो जाएगी, आप बताइए साहब, आपको 1 महीने का वेतन अगर नहीं मिलेगा तो आपकी क्या स्थिति होगी? यहाँ तो किसान को पूरी फसल बर्बाद हुई है 1 साल की, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर जो निर्माण हुआ है